ये भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। ये जो काउ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें हरियाणा में गाय का मांस खाना प्रतिबंधित है, नहीं खा सकते हैं आप, और ये अब से नहीं है, पहले से है। एक्चुअली मैं भी गौ भगत हूँ, आर्य समाजी हूँ। ये गौ सेवा आयोग जो है वो हमारे समय में बना, और इन्होंने इलेक्शन में बहुत बहुत वायदे किए। अब जब समय आया तो मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा हिंदू में, उन्होंने कहा कि जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए स्पेशल परमिशन दी जाएगी, लेकिन जो असेंबली ने पास किया है और एक्ट पास किया है उसमें अगर अमेंडमेंट लानी है तो असेंबली में लाना पड़ेगा, और हमने उसी समय कहा था कि असेंबली में आएगा तो हम उसको अपोज करेंगे। तो अब मुख्यमंत्री जी ने अपना यू टर्न ले लिया है, अब वो कह रहे हैं नहीं कोई बीफ नहीं खा सकेगा हरियाणा में। जैसे मैंने कहा, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। मैंने बयान देखा नहीं है किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, अलग अलग कानून है इसको लेके, लेकिन इसको ये भी मन में रखना पड़ेगा कि अलग प्रकार के लोगों के खाने की जो आदतें हैं उसको भी रिस्पेक्ट करने की एक आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कानून जो है उसके माध्यम से ही या उसके दायरे के अंदर ही। अनिल विज जी जब से मुख्यमंत्री नहीं बने उन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं भाजपा के, तो वो अपने इन्हीं उलपटांग उलझलूल बयानों से कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करके सुर्खियों में रहते हैं। अपने विभाग का उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, लेकिन दूसरे विभागों पे बोलते रहते हैं। संविधान की सौगंध लेके तो मंत्री बने पर संविधान का भी ज्ञान नहीं रहता उन्हें। मैं उनके विचार जो है हरियाणा सरकार के विचार है, पर एक जानकारी के लिए उनसे कह दूं, हम सब कोई गोमांस न खाता है न पैरवी करता है, लेकिन बीफ का क्या मतलब होता है एक बार वो देख